بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اس سلسلے کی دو اور تقریریں رہ جاتی ہیں بشرط توفیق الہی کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں اور خلاصہ کلام سامعین کے ذہن نشین ہو جائے. آج وہی عنوان رسالت ہے. اس آٹھویں تقریر میں مجھے اجازت دیجئے چند لمحات اس طرح سے صرف کروں کہ وہ حضرات کے جنہوں نے شاید پہلی دوسری تیسری تقریروں کو میری نہ سنا ہو ان کے یہ امر ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ پہلے ہمارے ماہران تعلیم نے ایک عنوان کا اعلان کیا تھا اسلامیات کے نام سے, بعد میں اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کی اصطلاح سے بدل دیا گیا. ظاہر ہے انگریزی کی آمیزش کے بعد کچھ لفظ میں سپل پیدا ہوتا ہے اور اس سپل کو جامعہ کراچی ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک فلسفیانہ طریقہ فکر اس عنوان کے تحت آ سکے. چنانچہ اس کتاب کا مقدمہ جس بلند مرتبے سے لکھا گیا اس میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ہم بلا اختلاف مذہب و ملت گفتگو کریں گے اور کوئی تفریق نہیں پیدا ہوگی عقائد میں افکار میں مختلف فرق اسلامی کے. اس کے بعد یہ کتاب شروع ہوئی. اس کتاب میں چونکہ لکھنے والے ایک ہی موضوع پر ایک ہی عنوان پر لکھنے والے پانچ سات ہیں اور خود مرتب نے یہ لکھ دیا ترتیب دینے والے نے کہ میں مختلف کتابوں کا اقتباس اس عنوان کے تحت پیش کر رہا ہوں, تو اس اقتباس کیا جانے کے بعد
इसमें कोई शक नहीं के मजमून की हद तक मुरतब की तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन नतीजा यह हुआ कि एक तो सिलसिला फिक्र बदल गया, दूसरे अक्सर मकामात पर फिक्र गैर मरबूत हो गई। लेकिन इस किताब के गहरे मुताले से यह मालूम हुआ कि किताब का मकसद हासिल न हो सका, किताब लिखने का मकसद हासिल न हो सका। इस उन्वान पर तकरीर करने की जरूरत यूं दायी हुई कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत अहम समझते हैं, इस मौजू को नहायत मुहिम समझते हैं। इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक से हर वो किताब जो लिखी जाएगी वो हमारे सर आंखों पर सख्त जरूरत है, दुनिया के लिए खुसूसन तालीम पाने वालों के लिए बड़ा जरूरी मसला है कि वो इस्लामियात या इस्लामिक आइडियोलॉजी पर कुछ समझें। और यहां तक इसकी अहमियत है कि फकत इसको एक अलाहदा सब्जेक्ट बना के न रखिए कि इस्लामियात के उन्वान पे हम एक किताब लिखेंगे, नहीं, आप जो भी किताब लिखें वो इस्लामियात के उसूल के पेश नजर लिखें, वो जबर मुकाबला हो, तारीख हो, मैथमेटिक्स हो, वो तबीयात हो, कीमिया हो, इल्म तबकातुल अर्ज हो, बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, कोई इल्म, आप इस्लामी नुक्ते निगाह को पेश नजर रख के उस इल्म को पेश करें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब कुरान पर आपका इल्म इतना अच्छा हो कि आप हर इल्म के लिए एक मुहर्रिक आयत कुरान से निकाल सकें और उस आयत से आप आगाज करें और ये बतलाएं कि मुसलमानों की फिक्र ये है, इल्म तबकातुल अर्ज मुसलमानों की तारीख ये है, उनकी फिक्र ये है, डेवलपमेंट ये है, रियाजियात जबर मुकाबला मुसलमानों के लिए मुहर्रकात कुरान में ये है, मुसलमानों ने ये किया, अब इल्म की सूरत ये है। आप इतना अपने दिलो दिमाग को मुतासिर कर दें इस सब्जेक्ट से कि ये सब्जेक्ट फकत एक अलाहदा उन्वान बनकर एक किताब की नजर न हो जाए बल्कि आपका हर सेगए तालीम इस्लामियात से मुतासिर होता रहे। यह गुफ्तगू मैं इसलिए मुहिम समझता था कि इस्लाम फकत वही दीन नहीं है जो मक्के की 12 बरस की जिंदगी और मदीने की 11 बरस की जिंदगी में फैला, जिसका जमाने तबलीग कुल 23 साल नहीं है, इस पर सदियां गुजर गई तबलीग करते करते, हजारों बरस गुजर गए, इसलिए हर नबी का दीन इस्लाम रहा। इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम से जब आपने किताब शुरू की कि अल्लाह की इंदियत में जब दीन इस्लाम है तो पहले चैप्टर्स तो यूं जाने चाहिए थे, आदम का इस्लाम, नूह का इस्लाम, इब्राहिम का इस्लाम, यूसुफ और याकूब का इस्लाम, मूसा और ईसा का इस्लाम, इनके अफकार, यानी आप कससुल अंबिया से न लेते हवाले, कुरान में कुछ कम हवाले, कुरान कुछ कम आपकी रहबरी करता है अंबिया के मुताल्लिक, मगर हुआ यह है कि अंबिया के मुताल्लिक कोई गुफ्तगू इस्लामियात की इस किताब में नहीं हुई। गोया अंबिया का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, फकत इस्लाम से ताल्लुक है खातमुन नबीयीन का, यह फिक्र गलत है। इस्लाम दीन मुसलसल है, जब से दीन है इस्लाम है। इब्राहिम की दुआ है वजअल्ना मुस्लिमैने लक, परवरदिगार हम बाप बेटे दोनों को मुसलमान बना दे, वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा हमेशा रहे, वबअस फीहिम उनमें रसूल को मबूस कर, पहले उम्मत मुस्लिमा हो उनमें एक नबी को मबूस कर। हजरत नूह के लिए कहा कि वो मुस्लिम थे, हजरत मूसा के तस्लीम के वाकयात कुरान ने बतलाए, अंबिया की गुफ्तगू आई। मैं इस चैप्टर पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर ये चैप्टर होता अंबिया के इस्लाम का
तो रिसालत को समझने में आसानी होती, इसलिए कि तौरात ने जो तसव्वुर रसूलों का पेश किया है वो इतना नापाक तसव्वुर, इतना रूह फरसा तसव्वुर है कि उसके मुतालिक अमीरुल्मोमिनीन ने कहा कि अगर तौरात पढ़कर कोई अंबिया का हाल हमको सुनाएगा तो उसको कोड़ों की सजा दी जाएगी। अंबिया की चोरी के किस्से, अंबिया के जिना के किस्से, अंबिया की खियानत के किस्से, अंबिया की शराबखोरी के किस्से इस तौरात में। तो चूंकि हम इस मस्ख शुदा किताब को अपनी असली हालत पर नहीं पाते, इसलिए हम रूदाद अंबिया तौरात से नहीं लेते। हम चाहते हैं कि नबी की बातें वही जो कुरान बतलाए। لقد اخترناهم على علم على العالمين, हमने अंबिया का भी इंतखाब किया इल्म की वजह से, उनको इल्म की दौलत से मालामाल किया। फिर इस शान के साथ कि लقد ارسلنا رسلنا تترا, और फिर हमने रसूल भेजे तो लगातार के सिलसिला टूटने न पाए हिदायत, और फिर वलकद वसल्ला लहुम القول لعلهم يتذكرون, हमने अपने कौल को वसल दे दिया ताकि ये मकाम तजक्कुर पर आए। वसल कौल भी, इरसाल रसूल, रसूल में तसलसल भी, और वो रसूल जो अमीन थे अल्लाह की तरफ से नौ इंसानी के, अद्दु इलैया इबाद अल्लाह इन्नी लकुम रसूल अमीन, अमानतदार थे, बंदों को एक राह दिखलाने के लिए ये आए थे, उन्होंने अपना फरीदा अदा किया। तो ये बड़ी कमजोरी थी कि अंबिया का तस्करा नहीं किया गया, और अगर ये किताब अंबिया के तस्करे से शुरू होती तो खुदा गवाह है कि सबसे पहले एक फ्लैश होता, एक रोशनी इल्म की आती कि आदम खताकार है कि नहीं, जो मसला आज तक तय ना हो सका। और एक अक्सरियत ये कहती है कि अपने बाप की के गुनाह का बदला उसकी औलाद से लिया जा रहा है। आदम ने गुनाह किया, औलाद से बदला लिया जा रहा है। बाइबिल ने तो वाज़ह तौर पे कहा द सिन ऑफ मैन, इंसान का गुनाह, तो पहले ही चैप्टर में ये अमर वाज़े हो जाता कि आदम रहते कहां थे, दुनिया में आने से पहले रहते कहां थे। अगर दुनिया ही में थे तो यकीनन दुनिया मकाम तकलीफ है, गलती हुई होगी, और अगर नहीं जन्नत में थे तो जन्नत महल तकलीफ नहीं है, वहां क्या कानून होगा नहीं मालूम। ये कुरान आपके सामने है, खुदा आपके कुरान ने नहीं ये बदले नहीं बतलाया कि जब आप लोगों को इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचाया जाएगा तो कितनी नमाजें वाजिब होंगी, इस कुरान ने नहीं कहा कि वो जन्नत में क्या होगा नहीं मालूम, जन्नत महल तकलीफ नहीं है, इसलिए खता नहीं है, खता नहीं है, सजा नहीं है। आदम को भेजना था, इसलिए भेजना था कि इंसानियत को मंजिल इर्तका पर जाना था। वो नुजूल आदम नहीं है, हुबूत आदम है, हुबूत आदम है। कमाल की तलब इंसान को साकित नहीं करती, इसलिए सुकूत आदम भी नहीं है। मेरे लफ्जों पर गौर की, सुकूत भी नहीं है, हुबूत है। कालक दिन हॉल की गुज़िश्ता 15 साल की तकरीर में अर्ज कर चुका हूं, हुबूत कहते हैं उस मौके को जब कोई टायर अपने परों को समेट कर किसी मकाम पर दब कर उड़ना चाहे, लुगत में हुबूत। बेवाते हुबूत आदम है कि जहां से तरक्की की राहें निकली और तफसीर पूरी हुई, इन्नी आलम माला तालम, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो उस किस्से को इसी इस्लामियात की किताब में खत्म होना चाहिए था। तंजीह अंबिया पर गुफ्तगू लाजिम थी, और अगर ये बातें सब हल हो जाती तो फिर रिसालत खातम समझ में आती।
मगर ये अजीब बात है, इसको इल्म करार नहीं दिया गया। जिसको इल्म करार दिया जाता है उस इल्म को बुनियाद से शुरू करते हैं, पहले हुरूफ तहजी पढ़ाते हैं, अल्फाज पढ़ाते हैं, जुमले लिखवाते हैं और पढ़ाते हैं, फिर किताबें पढ़ी जाती है, फिर उलूम की तरफ इंसान जाता है, दर्जा बदर्जा इल्म है। इल्म हमेशा तूल में है, इल्म तूल में है। एक मर्तबा आप रिसालत खातम पर गुफ्तगु करने लगे, जबकि इल्म रिसालत के लिए लाजिम था कि आप आदम को जानते, नूह को पहचानते, इब्राहिम पर गुफ्तगु होती, मूसा के वाकयात आपके सामने होते, ईसा के मुतालिक सारी बातें आप समझते, जब कहीं आप मंजिल खातम पर आते। मगर हुआ क्या, एकाएक बे अख्तियार आप रिसालत के उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए मंजिल खातम पर आए। मंजिल खातम पर जो पहुंचे तो वो शुरू से एक मसला जो अदम तसलसल फिक्र का था वो यहां आ गया, और वो ये कि जब वक्त आता है तो ये फरियाद होती है बुलंद कि हम अकल से नहीं शरीयत से मुताल्लिक है। लेकिन जब बच्चों की तालीम का मौका आता है तो शरीयत से गुफ्तगू कम होती है, अकल से काम ज्यादा लिया जाता है। इसलिए पूरी किताब में तअक्कुल की तजवीज है कि हम अकल से समझना चाहते हैं कि रिसालत क्या है, हम यह समझना चाहते हैं अकल से कि रिसालत का मकाम क्या है। चुनाचे बे अख्तियार जब अकल से समझने की कोशिश की तो सबसे पहले जिस मसले पर फिक्र करके नजरअंदाज कर दिया गया वो ये कि कभी किसी के मोजज़े का जिक्र ना हो। ये बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है, हमारे अकलमंदों की कमजोरी है। आखिर किस बात का खतरा है, ये डरते क्यों हैं? मौजदा का नाम नहीं है पूरी किताब में। हालांकि सूरह हदीद जो रसूल आया मौजदा लेकर आया, लकद अरसलना रसूलना बिल बयनाति व अनज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान, हमने अपने रसूलों को मौजज़ात के साथ भेजा, खुली निशानियों के साथ भेजा, और उनके साथ किताब को नाजिल किया, मीज़ान को नाजिल किया। तो अब बयानात पर गुफ्तगु नहीं होती, और मुफस्सिरीन का तो ये आलम हो गया है कि वो दरिया में रास्ता पहले ही से था, पानी खुश्क हो गया था नील का, इसलिए वो मौजज़ा नहीं है। और वो इब्राहिम ने चार परिंद रख दिए थे, उनको ज़िबा नहीं किया था, यानी ताक़ुल किया मौजज़ों का ताक़ुल किया। कतनी मर्तबत के पास आके एक मर्तबा चुप हो गए, अब गुफ्तगू ही नहीं करते, मौजज़े की गुफ्तगू ही नहीं करते कि कोई चीज़ आजिज़ करने वाली भी है दिमाग। भाई मौजज़े की गुफ्तगू क्यों है, लाजिम क्यों? वक़्त इस वक्त कि मकाम खातम वो है जो इक्तिसाब से मुमकिन नहीं है जिसका हुसूल, यानी इक्तिसाब से हम उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते। पढ़कर लिखकर डिग्रियां लेकर पीएचडी बनकर ताकुल करके वही का और अरबी जबान के अदीब कामिल बन के कोई मोहम्मद अरबी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसके माना ये कि वो जात मौजज़ा है। वो जात मौजज़ा है, अकल को आजिज करने वाली जात है। तो अगर इस अंदाज से आप आते तो पता चलता कि मौजज़े पर गुफ्तगू क्यों जरूरी है। आपने ईसा का तस्करा इसलिए नहीं किया कि गहवारे में उनके मौजज़े का जिक्र आ जाएगा, कि गहवारे में उन्होंने कलाम किया था। और अगर ईसा के बाद आप खातम के पास आते और ये कहते कि 40वें बरस में नबी हुए तो खलिश होती कि जो ईसा थे वो तो गहवारे में नबूवत का ऐलान कर रहे थे। तो आप अपने आप को खतरे से बचाना चाहते, इसलिए अंबिया के मुतालिक गुफ्तगू नहीं की। अंबिया सब बचपन में नबी हुए, हुक्म सबिया, हमने बचपन ही में हुक्म अता कर दिया था, हमने तुझ पर एहसान किया, तेरी वालिदा ग्रामी पर एहसान किया। या ई सब न मरियम उस्कुर नेमती अलैका व अला वालिदतक इज यक्तुक बिरूहिल कुदस तुकल्लिमुन नास फिल महदी व काला, ऐ मरियम के बेटे ईसा याद करो हमारी नेमतों को जो हमने नाजिल की थी तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर, जबकि तुम्हारी तायीद की थी हमने रूह कुदस से, तुम गहवारे में गुफ्तगू किया करते थे।
जबकि हमने तुझको इल्म दिया किताब का, हिकमत का, तौरात का, इंजील का। तो ईसा के मुतालिक अगर ये गुफ्तगु हो जाती तो खातम के लिए साबित करना शायद मुश्किल होता कि अब गहवारे में क्या साबित करें। सारी हदीसें महफूज रखने वाले न बचपन से खबर रखते हैं, न जवानी का पता रखते हैं, न ये गुफ्तगु कर सकते हैं कि 40 बरस तक क्या हुआ। इस तहकीक की जरूरत थी, इस रिसर्च की जरूरत थी, आखिर वो कैसी तारीखी थी अरब में, इतना बड़ा जमाना एक खला की कैफियत को पेश करता है 40 बरस तक। अरे 40 बरस तक वही मक्का, छोटा सा मकाम, 1400 बरस पहले का शहर। पॉपुलेशन की थ्योरी को पढ़ डालिए तो पता चलेगा कि अगर आज कोई शहर 50 लाख की आबादी का है तो 1000 बरस पहले ज्यादा से ज्यादा वहां 5000 आदमी होंगे। तो 1400 बरस पहले मक्का कोई इतना बड़ा शहर तो नहीं था कि जिसमें इतने बड़े खानदान की एक फर्द जिए, और कोई ये ना बतला सके कि बचपन के दोस्त कौन थे, जवानी के दोस्त कौन थे, 40 बरस तक कितने साथ थे, कितने साथ थे। ए मैन इज रोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अरे यहीं से कम अज कम हम पहचान लेते कि ये दोस्ती थी। इस तरह से सबसे मिलते जुलते थे, न दोस्तों का पता है, न मिलने जुलने वालों का पता है, न आपके ज्यादा अफाल आमाल हरकत पे नजर, कुछ नहीं। एक मरतबा पहला तारुफ वही आई और आवाज आई के जम्मेलूनी मुझे रिदा उड़ा दो, सर्दी हो रही है और मुझे बुखार खाए जा रहा है। और खतीजा ने संभाल लिया। अगर अंबिया पर मुसलसल नजर होती तो ये दुश्वार मंजिल तय हो जाती, सर हो जाती। इस वास्ते कि जो जमाना गुजरा है कतनी मरतबत का, वो जुर्रियत इब्राहिम के साथ गुजरा है, उस जुर्रियत इब्राहिम के साथ गुजरा है जो उम्मत मुस्लिमात थी, जो उम्मत मुस्लिमात थी। और इस तरह से अगर अंबिया पर एक चैप्टर होता, एक एक नबी की बातें होती और मौजजात पर दिलचस्पी से बहस की जाती। अब रहा अकल का मामला कि अकल मौजजे को कैसे माने, अकल ही तो मानती है मौजूदे को। ये छोटी छोटी बातें, अकल ही तो मौजूदे को मानती है, अकल ही तो कहती है कि हम आजिब हैं। अकल कैसे मानती है? अकल मानती ये है, वलिल्लाही जुनूद समावात वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए लश्कर है आसमानों का और जमीनों का, वो कान अल्लाह अजीजन हकीमा। अकल कह रही है जब इतना लश्कर उसके पास है तो बड़ी छुपी हुई कुवतें भी होंगी। आप कायनात को इल्लत व माजूर के सिलसिले में देख रहे हैं, आप कायनात को अजबाब व इलल के सिलसिले में देख रहे हैं कि ये आग है या धुआं है, आग ने किसी चीज को जलाया या धुआं हुआ। मगर आप ये भी सोचते हैं कि यकीनन आग में जो कैफियत रख दी गई है जलाने की, अगर कोई और छिपी हुई इल्लत उस पर काबू पाए और आपको जलाने से रोक दे, कोई और इल्लत इस तरह से हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है कि आपको जलाने से रोक दे, पानी को बहने से रोक दे, किसी जख्म में दर्द को रोक दे और एहसास को काबू पैदा करवा दे जख्म पर कि एहसास हो ही ना जख्म का। अकल ही कहती है कि बात ऐसी छिपी हुई इल्लतें हैं जिसका हमको पता नहीं है। अमेरिका से हम तक आवाज पहुंच रही है, अमेरिका कॉलिंग, दुनिया कह रही है, मादे असीरिया की मौजों पर आवाज आ रही है, मगर हमको नहीं मालूम है। ये सिर्फ इफामो तफहीम के लिए है कि किन मौजों पर कैसी आवाज आती है। हमको तस्लीम करना पड़ता है अकल को कि कोई ना कोई इल्लत होगी, मगर उसके साथ जब हम ये देखते हैं कि नहीं, कोई और इल्लत भी अभी हो सकती है जो इस सिलसिले इल्लत और मालूल को उसकी रफ्तार से मुअत्तल कर दे,
यही है मोजेदा। चांद हरकत करता है, कोई और ऐसी कभी इल्लत होगी कि चांद को हरकत से रोक दे, कोई और कभी ताकत होगी कि यह बतलाने के लिए कि यह चांद जिसको तुम अपने हिसाब का मरकज समझते हो, जिसको एक पुर्रा समझते हो, जिसके लिए बड़ा पहनाव है, बड़ी वसत है, मगर वो भी दो हो सकता है। उसमें घबराहट की क्या बात है, हैरानी की क्या बात है, परेशानी की क्या बात है। मगर सिर्फ ये जान के कि शक्ल कमर की बातें छिड़ जाएं तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। इसलिए मोजेजात पर गुफ्तगु एक सिरे से की ही नहीं गई, और जब मोजेजात पर गुफ्तगु ना हो सकी तो वहां फकत शक्ल कमर ही मोजेजा न था, वहां फकत यही मोजेजा न था कि संग्रेजे हाथ पे तस्बीह पढ़ते थे, यही मौजदा न था कि मदीने की दीवारें जब आप चलते तो वो रुकू में झुक जाती हैं अदब के लिए, यही मौजदा न था कि सूखे कुएं में अगर लुआब अक्दस को डाल देते तो वो कुआं उबलने लगता, यही मौजदा न था। बल्कि वहां लड़ाइयां भी मौजदा थी, वहां चलती हुई तलवार भी मौजदा थी, वहां मुख्तसर से लश्कर के साथ हजारों से टकराना भी मौजदा था। मगर चूंकि एक मौजदे को नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए दूसरे मौजदे को भी नजरअंदाज कर दिया। उनका खुल्क मुजस्सम मौजदा था, सारी जिंदगी मौजदा थी, जो हर कसो नाकत के लिए नामुमकिन हुसूल है। इसलिए कि हर मंजिल खातम के जहां अब्दियत की इंतहा हो, अब्दियत का कमाल हो, तो ऐसी मंजिल पर अंबिया से नजर अपनी नजर को हटाकर जब बेख्तियार इंसान मबहसे रिसालत खातम पाएगा तो वहां सिर्फ यही गुफ्तगु रह जाएगी कि कबाइल को मुत्तहिद कर दिया, मिला दिया। पर सब ने गुफ्तगु की, यहां भी यही गुफ्तगु हुई, मगर उसके साथ एक जुमला था और सफा 219 पे है शायद ये जुमला, इस्लामी नजरिया हयात के खुद पैगंबर ने इसकी कोशिश की कि आपकी जरूरत से ज्यादा ताजीम न हो ताकि कोई फितना खड़ा ना हो जाए। अब ये अकल की बातें करते करते इंसान अगर ये जुमला भी लिख दे कि खुद आप ये चाहते थे कि आपकी इतनी ताजीम ना हो कि फितना ना हो, अब आपकी ताजीम ना करें तो खुदा की ताजीम करें। लफ्ज़ ताज़ीम को तो देखिए कि ताज़ीम किससे वाबस्ता है, ताज़ीम किसकी करेंगे, यानी आपकी ताज़ीम ऐसी ना हो कि कोई फितना पैदा हो जाए। तो क्या ताज़ीम हो रही थी, ताज़ीम क्या हो रही थी? तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि चार बातें बतलाई कि हमारे पैगंबर से ताल्लुक की चार सूरतें हैं। एक ईमान, दूसरे इताअत, तीसरे इत्तेबा, चौथे मोहब्बत। मोहब्बत ये कहा कि मोहब्बत जैसे उसूल से मोहब्बत होती है। इत्तेबा की मंजिल ये कि पैगंबर की नयाबत इस वक्त पैगंबर की सुन्नत कर रही है, इसलिए पैरवी चाहिए। इताअत के माना ये है कि जो हुक्म आ गया पैगंबर का उसको माना जाए। और ईमान रसूल पे रखना चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। मगर कलाम मजीद ने जहां खातम के तसव्वुर को पेश किया वहां जुमले ये हैं। गुफ्तगू यहां से शुरू होती है जहां खातम के तसव्वुर को पेश किया, इरशाद हुआ रहमती वसअत कुल शय, मेरी रहमत सबको घेरे हुए, फसअक्तुबहा लिल्लजीना यत्तकून, मैं वाजिब करता हूं इस रहमत को उन लोगों के लिए जो अपनी हिफाजत चाहते हैं। वह यूतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, वह हम बे आयात है ना यूमिनून, और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। हमारी रहमत वाजिब है उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना, वो लोग
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون یہ سورہ آراف کی آیت ہے اس آیت کا کوئی حوالہ نہیں ہے یہ اس آیت پہ گفتگو چھڑی ہی نہیں ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الذین یتبعون میں رحمت کو لکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی جو رسول کی پیروی کرتے ہیں نبی کی پیروی کرتے ہیں امی کی پیروی کرتے ہیں یہ مدارج کو دیکھیے رسول نبی امی یعنی ارتقائی کیفیت دیکھیے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا اور جن کو پاتے ہیں وہ اپنے نزدیک لکھا ہوا فی التوراتی والانجیل تورات میں بھی تذکرہ ہے انجیل میں بھی تذکرہ ہے یامرہم بالمعروف نیکی کا حکم دیتا ہے ینہاہم عن المنکر برائی سے روک دیتا ہے یحل لہم الطیبات طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے یحرم علیہم الخبائث خبیث چیزوں کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے یضع عنہم اسرہم ان کے کاندھے کے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے والاغلال التی کانت علیہم پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے والذین آمنوا به اب جو لوگ اس سے اس پر ایمان لائیں وہ عزروہ اور اس کی تعظیم کریں وہ نصروہ اور اس کی مدد کریں آپ نے دیکھا اب تین منزلیں ایمان تعظیم نصرت ایمان تعظیم نصرت خود ایمان میں ہے اطاعت اس لیے اطاعت کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ایمان کا نتیجہ ہے اتباع خود ایمان کی حقیقت ہے محبت قرآن نے جو حصے اس کے تقسیم کیے وہ یہ کہ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ ایمان لائے اس کی تعظیم کی اس کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا اولئک هم المفلحون وہی فلاح یافتہ ہے اب قرآن سے پوچھئے کہ یہ کیسی تعظیم ہے قرآن سے پوچھئے کہ کیسی تعظیم ہے للہ جنود السماوات والارض سورہ فتح ان اللہ کان عظیما عزیز عزیزاً حکیمہ خدا غالب حکیم ہے اور پھر اس کے بعد صراحت کی گئی انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا ہم نے تجھ کو شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا اور اس کے بعد لتومنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا ہم نے رسول بنایا کہ اب اس کی عظمت کی جائے اس کے وقار کو باقی رکھا جائے اور اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جائے اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اور اے رسول جس نے تیرے ہاتھ سے بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ سے بیعت کی اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے ومن نکسا اور جو بیعت کو توڑ دے فانما ینکس علی نفسہ وہ گویا اپنے نفس کو بیعت سے ہٹا رہا ہے یہ سورہ فتح کی آیت ہے یعنی تعظیم اتنی ہو تعظیم اتنی ہو کہ اس کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ سمجھو بھائی گفتگو اب یہاں تک بڑھ گئی تعظیم اتنی ہو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں خدا حی قیوم ہے خدا حی قیوم ہے محمد اب نظر نہیں آتے مگر چونکہ رسول کے ہاتھ میں بیعت کر کے تم خدا کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہو اس لیے بار بار بیعت کا خلادہ گلے سے نہیں نکالا جاتا
الَّذِينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللَّهَ جس نے تیرے ہاتھ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ بیعت کی, جس کو یہ یقین ہو کہ اب میں اللہ کے ہاتھ بیعت کر چکا ہوں وہ کسی فاسق کی کیا بیعت کرے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے. اب پستی والے ہاتھ اگر اپنا ہاتھ بڑھائیں تو وہ عظمت کرنے والا رسول کی, وہ یہ جان رہا ہے, وہ جان رہا ہے کہ میں نے رسول کے ہاتھ سے بیعت کی ہے. عظمت کی بحث چھڑی اس لیے, عظمت کی بحث چھڑی اس لیے کہ کہیں رسول کو زندہ نہ سمجھنے لگو. اس لیے کہ اگر رسول زندہ ہے تو ہر مسئلہ بیعت کامیاب نہ ہو سکے گا, ہر مسئلہ بیعت کامیاب نہ ہو سکے گا. رسول جی رہے ہیں, غزہ پڑھ رہے ہیں, غزہ دے رہے ہیں, رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں, تشہد میں رسول کی ابدیت کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ اور ملائکہ رسول پر درود بھیج رہا ہے, صاحبان ایمان قیامت تک درود بھیجتے رہیں گے. مگر رسول مر گئے, مر گئے, بیعت ختم ہو گئی. اس لیے خلافِ بیعت رسول جن کی گردن ایمانداری سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد تو پھر لفظ بیعت یا سوال بیعت نہ آئے. اب یہ تاریخ ہے جہاں جہاں جس کی نظر میں ہو, جہاں جہاں اس جملے کو آپ منتبہ کر سکیں. کیوں انکار کیا, کیا وجہ تھی؟ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے, اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو. اور پھر یہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم حی قیوم ہے, یہ جو بیعت طلب کر رہے ہیں یہ بھی چند دن کی ہے, پھر اس کے بعد رسوائی ہوگی. اگر بادشاہوں کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی, بیعت کا سلسلہ بند ہوگا, بنی امیہ ختم ہوں گے, بیعت کا سلسلہ ختم ہوگا, بنی عباس ختم ہوں گے, بیعت کا سلسلہ ختم ہوگا, آل تتار و آل عثمان ختم ہوں گے, پھر بیعت نہیں لی جائے گی. اور آج پورے عالم اسلام میں کوئی بادشاہ کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرتا. آج کسی حاکم کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرتا ہے؟ اتنی ترقی دین میں ہو گئی ماشاء اللہ, ایسی ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اولو الامر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں؟ اب بیعت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا تو پتہ ہی چلا کہ جو چیز ناقص تھی وہ آگے نہ بڑھ سکی. بیعت عقبہ, بیعت رضوان, ان دونوں کی حقیقتوں کو سنیے. یعنی جس وقت رسول نے یہ اعلان کیا ہے انی رسول اللہ, بیعت طلب نہیں کی تھی. آخر بیعت کی حقیقت تو سمجھنے کی کوشش کیجئے, بیعت کے معنی کیا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو صرف آپ اتنا سننا چاہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ. یہ یوم فتح بیعت کا تذکرہ ہے. جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے رسول ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزت, ہماری آبرو سب آپ پر قربان کر دیں گے, اور بیعت اس بات پہ کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ بھاگیں گے. کسی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے, بیعت کے معنی یہ لکھے کہ بیعت کی گئی اسی بات پہ کہ ہم کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. گفتگو جہاں جنگ کی ہے, جہاں رسول کے جان کی حفاظت کی ہے, وہاں بیعت طلب کی تھی کہ قربانی سے دریغ نہ کرو, ورنہ اسلام کا اعلان کر کے بیعت کو طلب نہیں کیا تھا. بالکل اسی طرح
मुलुकियत को कैसे हक पहुंचता है कि तख्ते बैठते ही बयात तलब करे। हाँ, कोई जंग होती, कोई झगड़ा होता, कोई लड़ाई होती मुशरिकीन से, और उस वक्त कहा जाता कि आओ, न भागने का आजम करके आओ। चुनाचे इस तरह से दस्त रिसालत पर बयात करने वाले आगे बढ़े। 1200 की तादाद बतलाई जाती है कि जिन्होंने बयात रिजवान के मौके पर बयात की और ये अहद की कि आपको अकेला नहीं छोड़ें, आपको अकेला नहीं छोड़ें, जो कुछ सही। लेकिन जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूं, हर अमल मौजूदा, हर कदम मौजूदा, हर नफस मौजूदा। ये वो जिंदगी, ये वो जिंदगी जब पन्हा थे और कोई न था, तो ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे जुमले कि कुफारे कुरैश कांप उठते थे कि किसी सूरत कत्ल कर डाले इसको। ऐसी बातें करता है, अकेले हैं। दूसरी सूरत है नुजूल के मौके पे सूरह नून और कलम, पुकार के कह रहे हैं ला तुते कुल्ला हल्ला फिन महीन हम्माज़िन मशाइन बेनमीन मन्नाइन मिल खैर मोतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिक ज़नीम। हुक्म आया है मुझे इताअत न कर। हर झूठी कसम खाने वाले की, गुनाह करने वाले की, हद से आगे बढ़ जाने वाले की, नेकी में माने होने वाले की इताअत न कर। जिसका नसब सही न हो इताअत न कर, जिसकी हकीकत न हो। ला तुते कुल्ल हल्ला फिन महीन हम्माज़िन मशाइन बेनमीन मन्नाइन लिल खैर मोतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिक ज़नीम। कुफ्फारे और अब सुन रहे हैं ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे जुमले, हर जुमला एक चैलेंज लड़ाई के लिए। इतना शुजा इंसान, इतना शुजा इंसान कि उसको किसी की फिक्र नहीं। मगर जब फौजें सामने आई तो फिर उसने फौजों को लड़वाया सरदारी की और बतलाया कि देखो इस तरह से जंग की कमान की जाती है और इस तरह से मैदान पर हुकूमत की जाती है। बतलाया कि अच्छा ये 313 है, ये 1000 से लड़ लें। ये इतनी मुख्तसर सी हमारी तादाद है, इतनी कसीर तादाद से उलझ जाए। अजीब बात यह है कि जहाद के मौके पे सियासी मसाइल पर गुफ्तगू हो गई कि हमेशा मुसलमानों को गैर मुस्लिम ताकतों से बचने के लिए अपने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, मगर रिसालत के दौरान के जहाद पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। वहां जहाद पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। जाहिर है कि कोई ये तारीख की किताब नहीं है, फलसफे की किताब है, मैं जानता हूं, मगर फलसफे में भी इस अमर की जरूरत होती है, ताकुल में भी इस अमर की जरूरत होती है कि यह बतलाया जाए कि ये वो मकाम थे कि जहां इंसानियत का इम्तिहान किया जा रहा था, जहां इंसानियत तुल रही थी, जहां यह मालूम हो रहा था कि यह बद्र है, ये उहद है, ये खैबर है, ये खंदक है, ये 87 गजवात है, यहां पैगंबर खड़े हुए हैं। कहां है वो बयात करने वाला जो ये कह के बयात करे कि अब ये गर्दन, ये सर, ये जिस्म, ये मेरी पूरी हस्ती ये आप ही के लिए है। अगर गर्दन कलम हो, सर कलम हो जाए, अगर गर्दन कटा हो जाए तो सब फुजूल है। इस तरह से ये सारे मुहिम सर किए गए, एक एक मुहिम यूं सर हुआ। जहाद के मसले में अगर कुछ भी लिखा जाता, कुछ भी बयान किया जाता तो एक खालिश तो होती। जाहिर है कि पहले ही कह दिया गया था कि हम फिरकवारियत में नहीं पढ़ना चाहते। जाहिर है कि जहाज में किसी न किसी का नाम आता, जहाज में किसी न किसी का नाम आता तो मेरी हद तक नहीं, अमीरुल मोमिनीन की हद, अमीरुल मोमिनीन की हद। अमीरुल मोमिनीन ने कभी इसका ख्याल नहीं किया कि जंग में किसका नाम आए किसका नाम ना आए, कभी ख्याल नहीं किया। फकत यह कि मकसद रसूल आगे बढ़ जाए, नाम से बहस नहीं है। बदर की जंग किसी ने फतह की हो, उहद में कुरैश के 7 अलमबरदारों को मुसलसल किसी ने कत्ल किया हो, खैबर में मरहब का सर किसी ने काटा हो, खंदक में अम्र इब्ने अब्दवद को किसी ने सजा दी हो, किसी ने,
मगर तस्करा इसलिए जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बातिल की ताकतों और बातिल की कुव्वतों का एक अंदाजा तो हो जाता कि कभी यहूदीयत से मिल रहे थे, कभी नसरानियत से मिल रहे थे, कभी कुफार एक जगह जमा हो रहे थे, और सब के सब मुकाबिल पा रहे थे तन्हा मोहम्मद के और मोहम्मद का साथ देने वाला। हर मंजिल पर सर वकफ था। वो लोग थे जो उसका एहतराम कर रहे थे, वो लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, और वो लोग थे जो पैरवी कर रहे थे उस नूर की जो उसके साथ नाजिल हुआ। मुफस्सरीन ने कहा कुरान, वही कुरान, वही कुरान। सिर्फ ये है कि नहीं, नामों की बहस में कतरे से में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक ठीक, अब एक कोशिश की जाए, अब एक कोशिश की जाए, वो ये कि सारी तारीख इस्लाम में जहां जहां नाम आ जाए, जहां जहां नाम आ जाए, देखिए गुफ्तगू ऐसी है कि जिसमें यकीनन कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये क्या गुफ्तगू तसलसल के साथ है या इस फिक्र के साथ है कि जहां सही तौर पर हम किसी इस्लामी थॉट पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बहुत ही सही तरीका फिक्र है, बहुत ही सही तरीका फिक्र है कि जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुमकिन है कि हमारे नक्काद उसको कबूल न करें, लेकिन हमको उसकी फिक्र नहीं है। मतलब ये कि ओहद की लड़ाई, बद्र, खैबर, खंदक, 87 गजबान, या एक कोई ऐसी कोशिश की जाए कि जहां जहां अली का नाम है वहां से अली का नाम हटा दिया जाए, किसी और का नाम, किसी का नाम डाल दिया। अब तारीख ऐसी मुरतब हो खतरात से बचने के लिए, किसी का नाम डाल दिया, कोई शख्स जिसको आप पसंद करें, उन्होंने हमला किया, उन्होंने मरहब को कत्ल किया, वो अमरूद ने अब्दुबत के मुकाबले पे गए, अली को हटा लीजिए। फकत यही नहीं, वंजिर अशीरत कल अकरबीन वाली पहली दावत से अली को हटा लीजिए। जहां जहां अली का नाम आ रहा है तारीख इस्लाम में खतरे से बचने के लिए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, हटा लीजिए। अली नहीं, अली नहीं, अली नहीं है, खैबर में नहीं, खंदक में नहीं, कहीं कहीं। और इस तरह से एक नाम को हटाने के बाद फिर जो तारीख रह जाती है गजवात की, फिर जो तारीख रह जाती है जहाद की, उसी को सनद बना लीजिए, सनद बना लीजिए। मगर इसके बावजूद कोई नाम तो रहे, कोई जहाद का जिक्र तो रहे, किसी गजबे का जिक्र तो रहे, किसी जंग का जिक्र तो रहे, ताकि ये पता चले कि ये नबी फकत मुसलह इंसानियत इस माना में नहीं था कि अपने अखलाक को पेश करता जाए, बल्कि अखलाक ही को लेकर जब वो जंग के मैदान में आता तो लड़ाई यूं होती, यूं होती। यानी जरा सा ख्याल कि अली का नाम ना आने पाए, इस वास्ते कि इस नाम की एक अजीब खसूसियत, जब आ जाता है तो दूसरे को राह नहीं देता। इस नाम की एक अजब खसूसियत, मोहब्बत में, मारिफत में, इबादत में, जकावत में, इखलास में, मारिफत इलाही में, और फिर अहकाम में, कजा में, जहाद में, जोहद में, तकवा में, जहां ये नाम आया किसी और को राह नहीं दे। इसलिए एक अच्छा तरीका यह है कि कुल्ली तौर पर इस नाम को तारीख से हटाकर अपने अपने दोस्तों के नाम वहां रख दिए ना, ताकि कम अज कम हमारे नौजवानों की नजर जहाद पर तो पड़े कि जंग हुई थी। न खैबर का तस्करा, न खंदक का तस्करा, न बद्र का तस्करा, मदनी जिंदगी क्या है? मदनी जिंदगी वो हंगामा है, वो मुकाबला है कि जिसको लेके आगे बढ़ना है। हर कदम पर एक जहाद है, हर कदम पर एक जंग है, हर कदम पर एक गजवा है, पूरी जिंदगी इस तरह से जा रही है। और कुरान मुसलसल मुजाहिदीन की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। हम उसको सियासी नुक्ते नजर से देखते हैं कि अगर किसी मुस्लिम हुकूमत पर कभी कोई हमला हो जाए तो किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए, ये है जहाद की दावत। तो ये तारीख रिसालत नहीं है,
ये फिक्र रिसालत नहीं है, ये रिसालत के मौजू पर ताकुल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मक्के से मदीने तक, मक्के में और मदीने में वो कौन से तासुरात थे कि जिससे मुसलमान मुतासिर हो रहे थे, वो कौन से तासुरात थे जिससे मुसलमान मुतासिर हो रहे थे। तो बहरहाल अगर ये बात समझ में आई तो मैं एक बात अर्ज करूं, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है, चूंकि हो रहा है इसलिए मैंने कहा। तारीख इस्लाम जो लिखी जा रही है उसमें अब खैबर में अली का नाम नहीं आता, खंदक में अली का नाम नहीं आता। बद्र की लड़ाई का जब तस्करा हुआ तो कहा अल्लाह के फजल से ये जंग कामयाबी के साथ खत्म हो गई, अल्लाह के फजल से खैबर की लड़ाई कामयाबी के साथ खत्म हो गई। मुख्तलिफ किताबें जो इस दौर में छप रही हैं अब नाम नहीं आता, मगर यही के फरिश्ते आए और मदद हो गई, जंग खत्म हो गई। ये तरीका बाद में देखा जाएगा कहां तक मुनासिब है कहां तक ना मुनासिब, मगर तालीमी अंदाज से अगर कोई मॉडल सामने नहीं है, अगर कोई मिसाली नमूना सामने नहीं है, अगर कोई नसबुल आयन सामने नहीं है, अगर कोई हस्ती सामने नहीं है और फकत अगर फरिश्ते हैं, तो आप मुतासिर कैसे करेंगे, आप मुतासिर कैसे करेंगे। ये जो मैंने कहा कि नाम हटा दिए जाएं अगर खतरे से बचना है, तो नहीं, ये हो रहा है। तारीख इस्लाम जितनी इस दौर में छपी है सब में से नाम हटा दिए गए, मगर ये वो अजमत वाला है कि जिसके नाम के हर जंग से हटाए जाने के बाद भी न उसकी अजमत कम होती है न उसका वकार कम, सिर्फ इसलिए कि उसने रसूल की ऐसी तालीम की कि दुनिया ये समझ गई कि शायद बंदगी के करीब करीब जा रही है अजमत। इसलिए कहा कि कोई बड़ा फितना ना हो, ऐसी तालीम रसूल की ना की जाए कि कोई बड़ा फितना ना हो। मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, इसी को दुनिया ने, इसी तालीम को इबादत जानकर तंज की कोशिश की थी, जो भी हुआ, मगर इस घराने ने हमेशा रसूल की अजमत का ख्याल रखा। अब ये कि ये भी एक बड़ा अहम मसला है, किसी इंसान का कमाल है कि खुद उसके घर वाले उसकी इतनी इज्जत करें, वरना उमूमन इंसान की इज्जत घर वालों में नहीं होती, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते घर वाले ज्यादा जानते हैं कि कितनी खामियां हैं, जहां घर वाले इतनी इज्जत करते हो तो उसके माना यह है कि इतनी कुर्बत के बावजूद नजर कोताही पर न जा सकी, नजर खामी पे न पड़ सकी, इसलिए अजमत की तौजीम की। और इस तौजीम के साथ, इस तौजीम के साथ कि जब आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम हो तुझ पर अल्लाह के रसूल, अब वो हयात में सलाम हो, बज़ाहिर मरने के बाद सलाम हो, मदीने में सलाम हो, काबे में सलाम हो, करबला में सलाम हो, कूफे में सलाम हो, शाम में सलाम हो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो अज़ीज़ाने गरामी, वो हजरात जो बड़ी तवज्जो के साथ मुझे सुन रहे हैं और नक़्द व नज़र के तसव्वुर से भी सुन रहे हैं, मैं ये कहते हुए मुझे बात नहीं है कि ये घराने का तरीका था, ये मतलब नहीं है कि तबलीग है, तबलीग का मसला नहीं है। अगर सलाम मुनासिब नहीं है तो सलाम मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा, इसलिए सलाम तस्लीम की एक शक्ल आम है और सलाम किया गया, दुनिया ये समझी कि जिंदा समझ रहे हैं। कमाल मोहब्बत है ये कि बंदगी को उस मकाम पर देख रहे हैं कि जहां सिर्फ अब्द है और माबूद और कोई नहीं। माबूद नहीं कहते, किसी ने मोहम्मद को खुदा नहीं कहा था, न मक्के में कहा था, न मदीने में कहा था, न आज कोई कह रहा, खुदा नहीं, मगर सिर्फ इतनी सी बात
ये दिल इस तरह से क्यों झुकता है, इतनी अजमत क्यों, इतना एहतराम क्यों, इतना ख्याल क्यों। तो बड़ी पेशबंदियां हैं, बाकी के दो दिन हैं, देखा जाएगा। लेकिन आज गुफ्तगू खत्म। इस घराने ने यह मुसलसल ऐलान किया बादे करबला के, नाना देख रहे हैं, नाना सुन रहे हैं, नाना की नजर में है ये रूदा। क्या हमारे नाना से शफाअत तलब करेंगे वो लोग जो हमको इस तरह से दर बदर फिरा रहे हैं। शहजादी का खुतबा है। बहरहाल गुफ्तगू यहां तक पहुंची, हर गाम हर सांस नाना आइए, या रसूल अल्लाह देखिए, या जद्दा हमारी मुसीबतों का अंदाजा कीजिए। गुफ्तगू खत्म हुई, आप इतने बीमार के ये जुमले सुन लीजिए, दुआ करता हूं। इरशाद फरमाया कि जब हम शाम पहुंचे और हाकिम के दरवाजे पर पहुंचे, तो ये अल्फाज याद रखेंगे आप, अतौना बेहिबालिन व रबकूना मिसल अगनामी, कुछ रस्सियां लाई गई और हमको जानवरों की तरह से बांध दिया। अतौना बेहिबालिन रबकूना मिसल लगनामी, तफसील दी गई कि मेरी फुपी जैनब के गले में रस्सी बांधी गई, मेरी बहन सकीना के गले में रस्सी बांधी गई। तो देखा ये कि एक का कद तूलानी था, एक बच्ची कमसिन थी, ये मुनासिब न समझा गया। तो इमाम फरमाते हैं, मैंने खुद कहा कि ये कुछ मुनासिब नहीं है कि इस तरह से फूफी और भांजी को बांध दिया जाए कि अगर फूफी कभी खड़ी होना चाहे तो इस बच्ची को तकलीफ हो। तो जवाब ये दिया गया कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी फूफी के बाजू में रस्सी बांधेंगे और सकीना के गले में रस्सी बांधेंगे। तो किसी की कलाई, किसी का बाजू, किसी का गला, इस तरह से रस्सियां बांधी। आप इतने बीमार जंजीरों में थे कि एक मर्तबा मुड़ के जनाबे ज़ैनब ने कहा, यब्न रसूलिल्लाह, क्या हुक्म है? इरशाद फरमाया, फूफी अम्मा, मर्जी मौला पर चलते हुए, हुक्म इलाही पर अमल करते हुए बहर सूरत इस मंजिल को तय करना है। आबिद बीमार से इस हुक्म को लेकर एक मर्तबा कुंडे की तरफ मुतवज्जे हुई और कहा, घबराना नहीं, ज़ैनब भी साथ है। उम्मे लैला न घबराओ, उम्मे फरमान न घबराओ, मैं साथ हूं, परेशान न होना। और ये कह के आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बीबी सकीना को तकलीफ न हो, काफिले को लेकर चली, मुंह मुंह के देखती जाती थी कि कौन कौन साथ आ रहा है। उलमाए मकातिल बयान करते हैं, पहले दरवाजे को तय किया, देखा कि दोनों तरफ फौज के दस्ते खड़े हैं। दूसरे दरवाजे को अबूर किया, देखा कि तमाशाई भरे हैं। तीसरे दरवाजे को तय किया, देखा कि उमरा तमाशे के लिए खड़े हुए हैं। चौथे पांचवें छठे दरवाजों को तय किया, देखा अराकीन शहर सब खड़े हुए देख रहे हैं, कैदी किस शान से आ रहे हैं कि एक मरतबा आखिरी दरवाजा था और फिर दरबार। जब सातवें दरवाजे के करीब आई, अली की बेटी कमर थाम के बैठ गई। जाहिर शहजादी का बैठना था,
पे ना रुका, अभी जब बीमार ने हाथों को जोड़ के कहा फूफी अम्मा यहां करी मंजिल है। आखिरी मंजिल है फूफी अम्मा, अब इस वक्त सब्र का कमाल दिखलाना है। तो कहा बेटा बेसब्री के लिए नहीं बैठ गई, चाहती थी कि सब जमा हो जाए तो मुड़ के जरा नाना को सलाम कर ल।